राजकुमार सिंह है। मैं इंग्लिश मीडियम मॉडल प्राथमिक विद्यालय दुरावलपुर शिक्षा क्षेत्र घोरावल जनपद सोनभद्र में प्रधान अध्यापक पद पर हूँ। मैं आज आप लोगों को हमारे फ्रूट्स नामक ये केलम मैं दिखाने जा रहा हूँ कि हम अपने स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाएं। मैं अपने स्कूल में इस केलम का यूज करता हूँ। बच्चे बहुत ही खेल खेल के माध्यम से बच्चे फिगर के माध्यम से बच्चे यहाँ कहाँ मैंगो लिखा हुआ है, बनाना लिखा हुआ है, उनके रिलेटेड जो है नाम पढ़ के बताओ तो बच्चा पढ़ेगा। बी ए एन ए बता सकता है, या हम ये भी पूछ सकते हैं कि बच्चा बताओ ये किस चीज़ का चित्र बना हुआ है, तो बच्चा बताएगा यह अंगूर है, या वह बताएगा ग्रेप्स भी बता सकता है। यदि बच्चा ग्रेप्स बताता है या अंगूर बताता है तो हम कहेंगे इसमें से कहाँ इसकी इंग्लिश लिखी हुई है या ग्रेप्स कहाँ लिखा हुआ है, बच्चा चेक करेगा। ये अगर हम यहाँ दबाएगा बटन दबाएगा और इस बता देते हैं, जैसे कि मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ, कहता हूँ बच्चा बताओ कि यह किस चीज़ का फिगर बना हुआ है, तो बच्चा केला भी बोलता है, कभी कभी बच्चे बनाना भी बताते हैं। अगर बच्चा बनाना बता दिया या केला ही बताया तो हम उससे कहेंगे कि उसकी इंग्लिश यहाँ कहाँ लिखी हुई है। तो बच्चा अगर वो बच्चा मान लीजिए बच्चा सही बता दिया, यहाँ बनाना सही बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं बताया गलत भी बताया तो हम उसको चेक करते हैं कि सही है तुम्हारा आंसर या गलत है। तो बच्चे को कहेंगे कि एक एक करके अगर इसका है इंग्लिश तो ये इसके सामने का लाइट जल जाएगा यदि हम टच एन ए, इसका मतलब ये हुआ बच्चे को ऐसे पढ़ता जाएगा। जैसे अब इसके सामने की लाइटें नहीं जल रहा है, इसका मतलब उसका आंसर गलत है। फिर हम ऐसे चेक करते जाएंगे और इसके सामने का लाइट का इंतजार करेंगे, ये जल गया इसका मतलब ये हो गया कि इसकी इंग्लिश यहाँ लिखी हुई है। ग्रेप्स कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, या अंगूर की इंग्लिश ग्रेप्स यहाँ है। तो हम बच्चे से कहेंगे चलो पढ़ो, तो बच्चा पढ़ेगा जी आर ए यदि हम टच पी। करते हैं तो तो यहाँ हमने बटन को दबाया तो यहाँ सामने यहाँ मैंगो के सामने का ये लाइट बदल जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ लिखा हुआ है वह ये केला नहीं है। फिर हम यहाँ दबाते हैं तो यहाँ एप्पल एप्पल यहाँ, यानी कि केले वाला बटन नहीं जल रहा है। हम ऐसे ही करते जाते हैं, ऐसे करते जाते हैं और अंत में क्या हुआ, जब हम यहाँ दबाए तो इसका मतलब यहाँ लाइट जलने लगा, तो पता चल जाता है कि जो ये है फिगर है वो ये लिखा हुआ है यहाँ है। तो बच्चे को हम बताएंगे चलो अच्छा पढ़ के बताओ इसमें, बच्चे का फिर हम अगला पूछेंगे मान लो, अच्छा बच्चे से कहेंगे चलो अच्छा बताओ P-E-S, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, बच्चे को एक बच्चा दूसरा बच्चा तीसरा सारे कक्षा के बच्चे बाई एंड बाई आए आते हैं और बच्चे क्या करते हैं एक खेल के माध्यम से हम फ्रूट्स जो है जो बने हुए फ्रूट्स हैं इनके इंग्लिश में नेम कहाँ लिखा हुआ है या हम उसको कैसे रीडिंग करेंगे ये भी बच्चे पढ़ते हैं। थैंक्स।